Hello, welcome again to this particular session. And in this particular session, now we are going to take up another accounting standard, that is Ind AS 8. हाँ बेटे, मैंने जैसा कि लास्ट सेशन में कहा था कि Ind AS 10 हमने लास्ट में करा था, फिर मैंने उस वक्त ये भी कहा था उसको फिनिश अप करने के बाद कि इस पर्टिकुलर सेशन में अब Ind AS 8 की शुरुआत करेंगे. Ind AS 10 तो उतना मुश्किल नहीं है और बेसिकली देखा जाए तो Ind AS 8 भी मुश्किल नहीं है. इस तरह का स्टैंडर्ड आपने पहले करा हुआ है. आपको याद है आपने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 करा था प्रायर पीरियड आइटम से, इजंट इट और नॉट रिलेटेड, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स के बारे में, इजंट इट और नॉट. तो ऑलमोस्ट ये उसी से मिलता जुलता स्टैंडर्ड है. हालांकि अब इसका जो नाम हो गया है वो क्या हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट्स एंड एरर्स, बस दैट्स ऑल, छोटा सा नाम हो गया है. हालांकि कुछ नई चीजें भी इसमें होंगी और इस स्टैंडर्ड से भी आप इस लेवल पे कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देखो हम लोग बहुत डिस्कशन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किन किन स्टैंडर्ड से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो Ind AS 10 तो है ही और Ind AS 8 भी इस मामले में पीछे नहीं है. तो Ind AS 8 की अब शुरुआत करते हैं. अगर आप लोग रेडी हैं तो हम भी अपनी तरफ से रेडी हैं और ज़्यादा टाइम हमने गवाया नहीं, तो फटाफट अब इस स्टैंडर्ड के बारे में हम लिखेंगे. इतना मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टैंडर्ड का ताल्लुक अकाउंटिंग एस्टीमेट से, अकाउंटिंग पॉलिसी से है, अकाउंटिंग एस्टीमेट से है और अकाउंटिंग एरर से है. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो हम देखेंगे कि इसमें हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि हम अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन किस तरीके से करें और अकाउंटिंग पॉलिसीज में जब हम चेंजेस लाते हैं तो तब हम किस तरीके से एप्लीकेशन करेंगे उसकी अकाउंटिंग को, और इसी तरीके से अकाउंटिंग एस्टीमेट के सिलेक्शन और उसके चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स जब होते हैं तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से होगी, इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस हैं. और फिर इसी तरीके से गाइडलाइंस फाइनली एरर्स के बारे में है. हालांकि नाम एरर्स है लेकिन जनरली उसका वही मतलब है जो इससे पहले आपने स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है, प्रायर पीरियड आइटम्स आप जानते हैं. तो यहाँ पर एक तरीके से उसका नाम अकाउंटिंग एरर्स रख दिया गया है. तो बेटे Ind AS 8 की शुरुआत करते हैं. तो फटाफट आप मेरे साथ लिखें, जैसा कि मैं आप कई बार कह चुका हूं मुझे आपकी स्क्रीन से बाहर जाना पड़ेगा. आइए बेटे Ind AS 8 की फिर हम शुरुआत करते हैं फटाफट और समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्टैंडर्ड में बेसिकली हमें करना क्या होगा. करेक्ट? तो पहले तो आप थोड़ा सा मेरे साथ लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. लीजिए जी, फटाफट आप लिखें ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस. पहले तो टाइटल लिख लेते हैं. टाइटल हमने लिखा Ind AS 8. Ind AS 8, जैसे कि मैंने कहा, चलो आप लिख लो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड. Objective of the standard. Objective of the standard. Is to prescribe the criteria for selecting and changing accounting policies and changing accounting policies changing accounting policies together with accounting treatment and disclosure of ek second ke liye हाँ जी डिस्क्लोजर ऑफ ए चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज
changes in accounting policies. Changes in accounting estimates. Changes in accounting estimates. Changes in accounting estimates and C, correction of errors. जैसा कि मैंने आपको बेटे कहा कि इस स्टैंडर्ड का ताल्लुक बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज से है और एस्टिमेट से है और एरर से है. इज इट क्लियर टू यू? तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड का जो गैमेट है, इसको अगर मैं पॉइंट नंबर वन कह दूं, तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड का जो गैमेट है, बेसिकली स्टैंडर्ड किन चीजों से डील करता है, तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डील करता है एक तो अकाउंटिंग पॉलिसीज से. हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डील करता है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डील करता है अकाउंटिंग एस्टिमेट से. और हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डील करता है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. और हम कह सकते हैं कि ये डील करता है अकाउंटिंग एरर्स से कि नहीं. तो हम कह सकते हैं कि जहां तक स्टैंडर्ड के गैमेट का सवाल है, क्रक्स का सवाल है, तो ये स्टैंडर्ड है. अब जाहिर है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम पहले कंसीडर करेंगे. सब लोगों को मालूम है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, लेकिन फिर भी अब ये तीसरा सेगमेंट पर हम आ गए, अकाउंटिंग पॉलिसीज. पहले हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज को ही लिया. अकाउंटिंग पॉलिसीज को इंड एएस किस तरीके से डिफाइन करता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक. अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स. एक नया वर्ड इंड एएस ने दिया है, बेसिस conventions, rules and practices. And practices applied by an entity In preparing and presenting financial statements. तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ बेसिस हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि एक एंटिटी अडॉप्ट करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए. जनरली हम अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज कहां कहां करते हैं? जनरली अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो यूज होता है, आपने देखा होगा कि रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन के केस में हो सकता है. रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन के केस में कि हमारी एंटिटी रेवेन्यू को किस तरीके से रिकग्नाइज करेगी. रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन, फिर एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कि हम इन खर्चों को रेवेन्यू नेचर का कंसीडर करें या कैपिटल नेचर का करें. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, करेक्ट. स्लाइड चेंज कर लूं मैं. फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज यहां पर भी होता है
इम्पेयरमेंट के केसेस में हर एंटिटी की अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज होती है कि कितना इम्पेयरमेंट हुआ, किस तरीके से एस्टिमेट होगा, तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, तो ये मेजर एरियाज हैं जहां अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन में अकाउंटिंग पॉलिसीज दो फर्म्स की अलग अलग हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग पॉसिबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल हैं, अकाउंटिंग रिसीवेबल को किस तरीके से हम अकाउंट्स में ट्रीट करें, किसी एंटिटी की कुछ पॉलिसी हो सकती है, किसी की कुछ, मैंने अकाउंटिंग रिसीवेबल लिख दिए अकाउंट्स रिसीवेबल की बजाय अकाउंट्स रिसीवेबल, तो ये मेजर एरियाज हैं, करेक्ट। अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में एक मिनट में देख लो, मैंने नंबरिंग क्या करी थी, थर्ड करी थी, थर्ड के बाद अब हम फिफ्थ पर आ गए। स्टैंडर्ड का अगला पॉइंट क्या कहता है, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये भी आपको मालूम तो है, सभी को मालूम है कि स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या कहता है, कंसिस्टेंसीज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि हमने एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अपना ली, जनरली हमें उसमें चेंजेस नहीं लाने चाहिए, ये आपको हमको सब लोगों को बहुत बार मालूम है, फिर भी खैर मैंने लिख दिया है, एन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड, एन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड ओनली इफ द चेंज ए is required by an NDAS or b results in the financial statement providing reliable and more relevant information the financial statements providing as I said reliable and relevant information about the effect of transaction other events or conditions on the entity's financial position financial performance और कैश फ्लोस, तो सब कुछ वही है, कहने का थोड़ा सा अंदाज अलग है, isn't it or not? तो अकाउंटिंग पॉलिसी में सिंपल वर्ड्स में चेंज नहीं लाने चाहिए जब तक कि कोई NDAS हमें इस बात की इजाजत ना दे, या फिर जब तक हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको और रिलायबल या रेलिवेंट तरीके से पेश ना कर सकें।
और मेन मुद्दा वही है कि जब अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाते हैं तो तब क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या कहता है। ये सिक्स पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, अप्लाइंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अप्लाइंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अब इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया कि अगर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस लाते हैं तो तब क्या होगा, स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या कहता है। यह बड़ा ही अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैंडर्ड ये कहता है वैसे तो चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करने हैं। क्या कहता है, चेंजेस शुड बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली। वैसे तो इस चेंज को आपको पीछे से लाना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब यह है, स्टैंडर्ड यह कहता है। लेकिन स्टैंडर्ड इसमें यह भी कहता है इफ इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल, ध्यान दें इस वर्ड पे, अगर इस चेंज को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है तो तब आप इसको प्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई द चेंज, अप्लाई द चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली देन चेंज कैन बी अप्लाइड, देन चेंज कैन बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली, आगे से प्रोस्पेक्टिवली। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू, जहां तक सवाल है इसका। और बेटे इसका एक केस समझने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। आइए जी, केस लेते हैं पहले, तब आप समझेंगे केसेस। केस वन, केस वन में मैंने लिखा, केस वन में लीजिए, अल्फा कंपनी अल्फा नाइन लिमिटेड follows accounting policy of depreciating its plant and machinery using स्ट्रेट लाइन मेथड, कंपनी फील्स दैट रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज मोर रियलिस्टिक accordingly it intends to change its accounting policy to apply depreciation under written down value method।
कमेंट। हाँ जी, कंपनी ने डिसाइड करा कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाएंगे, क्या आंसर बेटे आप लिखेंगे? रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मेथड पहले तो परमिटेड है। हाँ जी परमिटेड है, वेरी गुड। तो हम कह सकते हैं द रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज परमिटेड बाय इंड एएस 16, इज परमिटेड बाय इंड एएस 16 ऑल्सो कंपनी feels that this method of depreciation is more realistic and as such shall make the financial statement more reliable and relevant, more reliable and relevant, hence change in policy is acceptable. Hence, change in policy is acceptable. इसलिए ये चेंज एक्सेप्टेबल है। तो एट द सेम टाइम कंपनी को अपने डिस्क्लोजर में यह दिखाना पड़ेगा कि कंपनी ने पॉलिसी में चेंज करा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? एक और केस देखते हैं, आइए जी केस टू। केस टू क्या है? Z10 लिमिटेड हैज रिपोर्टेड डेप्रिशिएशन in its expenses however the directors are of the opinion that to ensure meaningful reporting depreciation should be split into two parts with depreciation on factory equipments बेटे मेरे को स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी एंड डेप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट्स एंड डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर।
ऑफिस फर्नीचर फर्दर डेप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट should be reported under cost of sales while depreciation on furniture under administrative expenses under administrative expenses is this an acceptable change in policy क्या ये एक्सेप्टेबल चेंज है ये देखने के लिए कि ये एक्सेप्टेबल चेंज है या नहीं है मैं अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा करेक्ट मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा आंसर इज द चेंज प्रिस्क्राइब्ड By an standard, prescribed by an standard, क्या ये चेंज किसी स्टैंडर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है Unfortunately, इसका आंसर नो में आ रहा है क्या ये चेंज रिक्वायर्ड बाय लॉ है Is the change required by law है Is the change required by law क्या ये चेंज लॉ में है हां जी Is the change required by law क्या ये चेंज required by law है या नहीं है फिर इसका आंसर है नो फिर एक और क्वेश्चन है विल दिस चेंज रिजल्ट इन ग्रेटर एक्यूरेसी रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंसी अब की बार आंसर है यस क्योंकि मैनेजमेंट को यह लगता है कि अगर हम इसको ऐसा करेंगे कुछ हिस्सा कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट कुछ हिस्सा खर्चों का पार्ट तो ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो हम कह सकते हैं दिस चेंज इज एक्सेप्टेबल तो चेंज इज एक्सेप्टेबल चेंज इज एक्सेप्टेबल ये कहा जा सकता है समझ में आया इज इट क्लियर टू यू एक और केस जल्दी से देख लेते हैं आइए जी Y5 लिमिटेड is in the process of finalization of its financial statements .
द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू चेंज द वैल्यूएशन ऑफ इट्स इन्वेंट्री फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज. Comment. अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, नो डाउट अबाउट दिस. दिस चेंज इज अ केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. Change in accounting policy and should be applied retrospectively. ये important है. retrospectively. तो बेटा ये चार केसेस देखे मैंने आपसे. पहले कहा कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड होंगे जिन पे कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है. एक मैं अब आपके सामने पहले आ जाऊं, बहुत देर हो गई हम आपसे मिल ही नहीं पा रहे हैं. लीजिए हम आपके सामने आ गए. हाँ बेटे, तो मैंने कहा था कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे कि केसेस पूछे जा सकते हैं, तो उसमें इंड एएस 8 और इंड एएस 10 और ऐसे स्टैंडर्ड, इवन कैश फ्लो भी हम बाद में देखेंगे. इज इट क्लियर टू? इंड एएस 7 जब बाद में हम देखेंगे. तो स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो आपने पढ़े तो हुए हैं, तकरीबन तकरीबन केसेस भी वही हैं, लेकिन अब उनको इंड एएस के एंगल से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे. बस दैट्स ऑल, दैट विल बी द मेजर डिफरेंस. बट एनीवे, जो भी है हमने फाइनल लास्ट तलक करना है. अब क्योंकि अभी तक कोई मॉड्यूल वगैरह तो आया नहीं है, बल्कि एक बच्चे ने तो मेरे को ये लिखा कि सर समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हैं. ऐसा हमें तो कई बार ऐसा लग रहा है कि आप सीए फाइनल को कम और प्रोफेशनल्स को ज्यादा पढ़ा रहे हो. अब मेरी समझ में नहीं आया कि उस बच्चे को मैं बेसिकली आंसर क्या दूं. तो ऐसा कुछ नहीं है बेटे, हमारी बस कोशिश ये चल रही है कि इन डेएस में जितना भी दिया है स्टैंडर्ड में वो सारे पॉइंट हम टच कर दें, क्योंकि कल मॉड्यूल अब क्या कहता है क्या नहीं कहता है इसके बारे में तो अभी हमें मालूम नहीं है ना. अब हो सकता है कि इतनी डीपली आपका ना हो, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमति रखता हूं, नो डाउट अबाउट दैट. किसी के दिमाग में यह ख्याल आ सकता है कि हम थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा लेवल हाई कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सिर्फ रीजन ये है कि हमको सेफ्टी मेजर अपनाने होते हैं. इस बात को भी बेटे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी चीजें क्लियर नहीं है. जैसे ही क्लियर होंगी, हमारे सामने भी कुछ चीजें जब क्लियर होंगी, तो उस हिसाब से हम डेफिनेटली अपनी स्टडीज को मॉड्यूल करेंगे. लेकिन बेहतर तरीका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम सेफ गेम प्ले करें. जितनी भी बातें स्टैंडर्ड में हैं हम सारी कहें. हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चित रूप से ये कोर्स जो है प्रोफेशनल्स के लिए भी है. कुछ बच्चों ने मैसेज ये भी लिखा कि सर ये ओल्ड कोर्स वालों के लिए. अरे बाबा, अगर ओल्ड कोर्स में इंड एएस है तो इंड एएस तो अब यही चलेंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों को पूछने की अब जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है. खैर एनीवे, तो फिर हम मुलाकात करते हैं आपसे, और हो सकता है कि नेक्स्ट 3 क्लासेस हम कल के दिन ही रिलीज कर दें, करेक्ट. लेकिन अभी मैं कमिट नहीं कर पाऊंगा, डिपेंड करता है जैसे जैसे हमारे पास टाइम होगा उसी हिसाब से करेंगे. अब इसके आगे का पार्ट, इस इंड एएस का पार्ट हम आगे देखेंगे, ठीक है बेटे. ओके देन, गुड नाइट एंड बाबा एंड टाटा.